हेमंत सरकार के कैबिनेट ने बीते 3 फरवरी को पुरानी नियोजन नीति को रद्द करने का अपना निर्णय वापस ले लिया। झारखंड सरकार के समक्ष अभी कोई नई नियोजन नीति का प्रस्ताव नहीं है। राज्य के 13 अनुसूचित और 11 गैर अनुसूचित जिलों के लिए रघुवर सरकार के समय लागू की गई नियोजन नीति को कैबिनेट के निर्णय के बाद संकल्प के माध्यम से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने वापस ले लिया। उसमें नए सिरे से नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया, जो 2016 के पूर्व की नियोजन नीति के आधार पर होगा। इससे गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तरीय पदों के लिए राज्य के किसी जिले के लोग नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही अराजपत्रित वर्ग ख के पदों पर पूर्व की तरह राज्य के बाहर के भी छात्र आवेदन दे सकेंगे। राज्य के इस निर्णय से झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भी अवगत कराया जा रहा है। साथ ही 13 अनुसूचित जिलों के लिए कैबिनेट से हुए निर्णय पर राज्यपाल की सहमति लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ये 13 जिले 5वीं अनुसूची में है। इससे संबंधित नियोजन नीति पर राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 2016 में इन जिलों के लिए नियोजन नीति बनाते समय भी राज्यपाल की स्वीकृति ली गई थी। हम तो कहते हैं कि आदरणीय रघुवर जी मानव नहीं महामानव है। उनका जो दानवीय बौद्धिकता है, पांडित्य है, वो बड़ा खतरनाक है। उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया की बात कही कि एक राज्य में 2 नियोजन कैसे होगी। यही तो खामी था।